तो हेलो, कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस गाइस गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मास ऑग्राइटर यूज करने वाले हैं। ना जाने कितने ही दिनों से हम लोग हाइब्रिड यूज कर रहे थे, मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन हाँ हाइब्रिड से हम लोगों ने बहुत सारे बेसिस को थ्रीशा किया। एंड हम लोगों ने लास्ट सीजन एक न्यू ऑल टाइम बेस्ट सेट किया था, जो है गाइस हमारा 5920 ट्रॉफीज। लेकिन आज हम लोग हाइब्रिड यूज करने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों को मैं अपना आर्मी कॉम्बो बताऊं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5 हेड हंटर्स यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, साथ हमारे पास लाइटिंग स्पेल्स है। एंड सीसी में मैं 5 स्नीकी गोब्लिंस यूज कर रहा हूँ, ताकि अगर कभी रिंग बेस मिल जाए टाउन हॉल को हम लोग डाउन कर सके स्नीकी गोब्लिंस की मदद से। एंड लाइटिंग स्पेल्स को हम लोग यूज करने वाले हैं अपोनेंट के सीसी के ऊपर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइजन स्पेल नहीं है, सो अपोनेंट का सीसी को डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज हम लोग ने एक भी अटैक नहीं किया है, 8 के 8 अटैक हमारे पेंडिंग है, लेकिन आज हम लोग 3 अटैक्स करने वाले हैं। सो देखते हैं गाइस हमारे अटैक कैसे जाते हैं। और हाँ गाइस, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो भाई, बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन भी दबा दो। बेल आइकन दबाने से बंदे चैनल पे फर्स्ट आता है। आज की इस वीडियो पे लाइक एम करते हैं 4000 लाइक्स के लिए। मुझे पता है लाइक एम औकात से बाहर है, लेकिन मांगने में क्या जाता है भाई साहब। और हाँ गाइस, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइस, अभी अपने को यहाँ पे ये बेस मिला है, सीसी के पास दोनों के दोनों स्कैटर शॉट हैं, सो ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइटिंग स्पेल्स यहाँ पे डालेंगे, ताकि अपने को दोनों स्कैटर शॉट भी मिल जाए एंड सीसी भी अपने को यहाँ पे मिल जाए। एंड दो और ओके, यहाँ पे आ जाएगी अपनी लाइटिंग स्पेल। ओके भाई, स्कैटर शॉट यहाँ पे डाउन हो जाएंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगी अपनी बची हुई लाइटिंग स्पेल्स, ठीक है। ओके गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पे डालेंगे अपना किंग, क्वीन, हेड हंटर्स। कम ऑन भाई, हीरोज अपने को तीनों के तीनों मिल जाएंगे, ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी है। एंड अभी अपने को यहाँ पे टाउन हॉल भी मिल जाएगा, ये चीज भी हमारे लिए काफी अच्छी है। एंड अगर दोनों बॉम्ब टावर्स मिल जाए ना, तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा यार फिर तो। नहीं यार, दोनों बॉम्ब टावर्स तो नहीं मिलने वाले, तो हम लोग ऐसे करते ना, रॉयल चैंपियन की मदद से एक बॉम्ब टावर को यहाँ पे डाउन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी रॉयल चैंपियन आ जाएगी। एंड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अपनी सीग बैरक्स को। कम ऑन, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी। अभी अपने को हॉग राइडर्स यहाँ पे डाले हैं, सो यहाँ पे आ जाएगी अपने सारे के सारे हॉग राइडर्स। स्पैम कर देता हूँ भाई यहाँ पे, चलो भाई अभी मजा आएगा ना। यहाँ पे वार्डन आ जाएगा अपना, बचे हुए हॉग राइडर्स, कुछ हॉग राइडर्स मैं यहाँ पे बचा लेता हूँ भाई, टाइम का इशू नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पे आ जाएंगे बचे हुए हॉग राइडर्स, पहली हीलिंग स्पेल। ओ भाई, हॉग राइडर बच गए अपने, शुक्र है हीलिंग स्पेल के अंदर आ गए। यहाँ पे फ्रीज डाल देता हूँ, चलो भाई चलो, यहाँ पे बची हुई हीलिंग स्पेल। नहीं भाई, ये अटैक थ्री स्टार नहीं निकलने वाला। वैसे हॉग राइडर हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, एंड सामने यहाँ पे सिंगल टार्गेटिंग फनो है, तो शायद ये अटैक यहाँ पे थ्री स्टार निकल सकता है। पीछे एक पेका भी बचा हुआ है एंड विजार्स भी बचे हुए हैं। क्या लगता है गाइस, क्या ये अटैक थ्री स्टार निकलेगा भाई? निकल सकता है यार, बहुत सारे हॉग राइडर बचे हुए हैं हमारे पास। कम ऑन, ओ भाई जायंट बम निकल गया, हॉक्स की हेल्थ काफी कम हो चुकी है एंड एक बॉम्ब टावर भी यहाँ पे बचा हुआ है। नहीं भाई, अभी सिर्फ डिफेंस में एक बॉम्ब टावर बचा है एंड हमारे हॉक्स की हेल्थ काफी कम है एंड शायद हमारे हॉक्स यहाँ पे मरने वाले हैं। गए भाई हॉक्स गायब, एक बॉम्ब टावर ने हमारे सारे के सारे हॉग राइडर्स को खत्म कर दिया। नहीं भाई, टाइम भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ 30 सेकेंड्स है, 3 विजार्ड्स है हमारे पास, लेकिन नहीं यार ये अटैक त्रिशा नहीं निकलने वाला, टाइम का पंगा होगा भाई। 91 निकल चुका है, 96 या फिर 97 तक निकल जाएगा ये अटैक, 93। अरे यार इतना इजी बेस था, अगर मैं कुछ हॉग राइडर्स बचा लेते ना इस बॉम्ब टावर के लिए, तो शायद ये अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकल जाता। चलो कोई बात नहीं, 96% हम लोग ने निकाल लिया। सो गाइस, अभी अपने को यहाँ पे ये बेस मिला है, सेम उसी टाइप का बेस है एंड हम लोग यहाँ पे सीसी के साथ साथ दोनों के दोनों स्कैटर शॉट को भी निकाल सकते हैं। एंड अगर निकल जाए ना, मजा आ जाएगा भाई फिर तो। सो यहाँ पे पहली लाइटिंग स्पेल एंड डैमेज पड़ तो रहा है वैसे, सेकंड। अरे नहीं यार, इस तरफ वाली स्कैटर शॉट के ऊपर नहीं पड़ रहा, अभी पड़ा।
एंड ओके कम ऑन, यहाँ पे लास्ट वाली लाइटिंग एंड यहाँ पे आ जाएगी अर्थविक स्पेल्स। टाउन हॉल अपने को एक्टिवेट नहीं करना है अभी। ओके भाई दोनों के दोनों स्कैटरशॉट मिल गए, सीसी मिल गए, यहाँ पे किंग क्वीन, ओह भाई टेस्ला फार्म निकलेगा। यहाँ पे आ जाएंगे अपने हेड हंटर्स, रॉयल चैंपियन किंग की एबिलिटी मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। स्कैलीज भी भाई बहुत सारे निकल रहे हैं यहाँ पे, टोर्नेडो ट्रैप भी निकल गया भाई, इसी की कमी थी यार। कम ऑन क्वीन, टाउन हॉल यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सो रॉयल चैंपियन यहाँ पे टारगेट कर रही है टाउन हॉल के ऊपर, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी। एंड क्या यूज करूं भाई, स्टोन स्लैमर यूज करूं, ऐसे करते ना स्टोन स्लैमर को यूज करते हैं, एक होगा आ जाएगा एंड यहां पे आ जाएगा हमारा स्टोन स्लैमर। फिर आ जाएंगे अपने सारे के सारे होग राइडर्स, वार्डन, पहले हम लोग वार्डन की एबिलिटी यूज करेंगे, वार्डन की एबिलिटी। थर्टी फाइव% पहली हीलिंग स्पेल। क्वीन की एबिलिटी मैं यहां पे यूज कर देता हूं ताकि इग्लाटी फटाफट से डाउन हो जाए। यहां पे आ जाएगी अपनी लास्ट वाली हीलिंग स्पेल। अभी हमारे पास एक फ्री स्पेल बची हुई है, क्लीन अप मैं यहां पे डाल देता हूं ताकि बाद में टाइम का इशू ना हो। यहां पे आ जाएगी हमारी फ्री स्पेल 62%। ओ भाई साहब शुक्र है हमारे होग्स यहाँ पे स्प्रेड हो गए, वरना ये बॉम्ब टावर अपने होग राइडर्स को एक बार फिर से खत्म कर देता। ओ ओ ओ कनेक्शन नहीं जाना चाहिए भाई, अपना 77% यहाँ पे निकल चुका है एंड अटैक हमारा एकदम सही जा रहा है, एक बंदा अपने को स्पेक्टेट भी कर रहा है। ओ भाई साहब 84%। हाँ भाई टाइम हमारे पास काफी है, निकल जाएगा भाई बड़े आराम के साथ, ये वाला बेस 3 स्टार निकल जाएगा। एंड हाँ गाइज अभी मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा, इस अटैक को इसी टाइप के बेसिस के ऊपर यूज करना, अगर आप लोग किसी और बेस के ऊपर यूज करोगे तो भाई आपका अटैक फेल भी हो सकता है। एनीवेज गाइज ये था हमारा सेकंड अटैक, अभी हम लोग एक और फिर से चलेंगे अटैक के ऊपर। सो ओके गाइज अभी अपने को यहाँ पे ये बेस मिला है, हम लोग टाउन हॉल की तरफ से चलेंगे अटैक के ऊपर एंड ट्राई करेंगे टाउन हॉल को यहाँ पे डाउन करने की। लेकिन उससे पहले अपने को ना यहाँ पे सीसी किल करना है, सीसी का डाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ वो रिकर को यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे हीरोज को यहाँ पे अच्छा खासा टैंक भी प्रोवाइड कर देगा। तो दोनों स्कैटर शॉट तो नहीं मिलने वाले अपने को, एक स्कैटर शॉट की तरफ से चलते हैं, लाइटिंग स्पेल डालते हैं ठीक है। तो चलो ओके यहाँ पे मैं लाइटिंग स्पेल डालता हूँ, नहीं एक और डालनी पड़ेगी। ओके भाई स्कैटर शॉट यहाँ पे डाउन हो गया, थोड़ा बहुत डैमेज इस वाले स्कैटर शॉट को भी दे देते हैं ठीक है। सो एक स्कैटर शॉट डाउन कर लिया एंड सीसी हम लोगों ने डाउन कर लिया, अभी बारी आती है हमारे हीरोज की, कहाँ से डालूं भाई, यहाँ से डाल देते हैं। किंग आ जाएगा, क्वीन आ जाएगी, वॉरिकर आ जाएगा, यहाँ पे हेड हंटर्स आ जाएंगे, रॉयल चैंपियन। भाई क्वीन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, एक और हेड हंटर, कम ऑन ओके किंग की एबिलिटी यूज कर देता हूँ मैं, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी, बॉम्ब टावर मिल जाए ना बस ये रॉयल चैंपियन से। ओके भाई बॉम्ब टावर मिल गया अपने को, क्वीन से अपने को टाउन हॉल मिल जाएगा, क्वीन की एबिलिटी टाउन हॉल। ओके भाई टाउन हॉल अपने को मिल गया, तो भी बारी आती है हमारे होग राइडर्स की, तो यहाँ से डालेंगे हम लोग अपने होग राइडर्स जो कि जाएंगे सीधा स्कैटर शॉट के ऊपर। पीछे से आ जाएगा हमारा वार्डन, फ्री स्पेल स्कैटर शॉट के ऊपर, वार्डन की एबिलिटी। ओके भाई अटैक हमारा एकदम सही जा रहा है, बस टाइम का इशू नहीं होना चाहिए। पहली हीलिंग स्पेल, ओ भाई बच गए हमारे होग राइडर्स, दो जैंट बॉम्ब निकले वहां पे, 47-48 2 स्टार यहां पे निकल चुका है। कम ऑन भाई यहां पे आ जाएगी हमारी लास्ट वाली हीलिंग स्पेल, 58% यहाँ पे निकल चुका है। क्या लगता है गाइस ये अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकलेगा या फिर नहीं, टाइम हमारे पास काफी कम है, लेकिन गाइस अगर ये अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकला ना तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ठीक है, मुझे नहीं पता बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओ भाई बहुत सारे स्कैलीज हमारे होग राइडर्स के पीछे पड़े हुए हैं, 70%
अगर हॉक्स यहाँ पे स्प्रेड नहीं हुए तो भाई ये अटैक यहाँ पे फेल होने वाला है। प्लीज हॉक, ओके भाई हॉक्स यहाँ पे स्प्रेड हो चुके हैं, जो चीज हमारे लिए काफी अच्छी है भाई। नहीं अभी ये अटैक यहाँ पे 3-4 निकलने वाला है, अभी कोई नहीं रोक सकता। शुक्र है भाई यहाँ पे हॉक्स स्प्रेड हो गए, वरना ये अटैक यहाँ पे फेल होने वाला था। 90% निकलेगा, 91%, 92%। ओ भाई ये अटैक काफी ओपी है। जहां पे गाइस आप लोगों को कॉर्नर में टाउन हॉल मिले ना, एंड वहीं पे दोनों के दोनों स्कैटर शॉट हो, सारे के सारे हीरोज हो, भाई ये वाली आर्मी यूज करो, पक्का 3-4 निकलेगा। काफी ओपी आर्मी है भाई ये वाली। देखते ही देखते यहाँ पे 3-4 निकल गया हमारा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर 1% भी अच्छी लगे ना, फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।